आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय बहुत प्रचलन है और ऐसा लगता है मानो एआई भविष्य के लिए सबसे सही उपकरण बनता जा रहा है। बता दें कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए एग्जामिनेशन अथॉरिटी नए नए नियम और तरीके लाता है, बावजूद इसके परीक्षा में सेंधमारी हो ही जाती है। परीक्षा में सेंधमारी को रोकने और उन्हें पकड़ने के लिए अब एआई टूल का उपयोग किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। बीपीएसएससी के अध्यक्ष के एस द्विवेदी ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए एआई पावर्ड सिस्टम की जानकारी दी है। साथ ही सभी केंद्रों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर 1,65,000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जाएगी, उन्होंने ऐसा कहा है। इस परीक्षा में करीब 6.60 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा के दौरान छात्रों पर नजर रखने के लिए एआई संचालित सिस्टम चेहरे की पहचान, आंखों की ट्रैकिंग और अन्य तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। बीपीएसएससी के अध्यक्ष के एस द्विवेदी ने कहा कि उम्मीदवारों को परीक्षा से 1.5 घंटे पहले प्रवेश की अनुमति है और परीक्षा शुरू होने से 1/2 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। इस बार प्रश्न पत्र में गड़बड़ी और उसे वायरल होने से बचाने के लिए प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर यूनिक नंबरिंग भी की गई है। सभी केंद्रों की कड़ी निगरानी पटना में बीपीएसएससी मुख्यालय स्थित सेंट्रल कमांड रूम में की जाएगी। एआई को हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कृत्रिम यानी कृत्रिम रूप से विकसित बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक उन्नत शाखा है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से एक मशीन को इतना बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि वे इंसानों की तरह सोच सके और फैसले ले सके। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उसी तर्क के आधार पर चलाने की कोशिश की जाती है जिस पर इंसान का दिमाग काम करता है। एआई विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रचलित हो गया है और इससे कई लाभ हुए हैं। एआई की सबसे बड़ी विशेषता स्वचालन है और इसका संचार, परिवहन, उपभोक्ता उत्पाद और सेवा उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। एआई का उपयोग हमेशा बेहतर निर्णय लेने के लिए किया जाता रहा है। एआई के जिस तरह कई तरह के फायदे हैं, इसके कई नुकसान भी हैं। एआई में पारंपरिक रूप से किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने की क्षमता है, जिससे कुछ उद्योगों में नौकरी छूट सकती है और बेरोजगारी बढ़ सकती है। जैसे कि यदि ग्राहक सहायता के लिए बनाए गए चैटबॉक्स 100% सफल हैं तो कंपनियां उनके लिए भर्ती करना बंद कर देंगी। ऐसा ही खतरा कई अन्य नौकरियों के साथ भी है। सबसे ज़्यादा खतरा फिल्मांकन और ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है और इसके नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार को सतर्क रहना होगा। मशीनीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तनों से सबसे अधिक प्रभावित हुए लोग होते हैं जो निर्धारित समय के भीतर अपने कौशल में आवश्यक सुधार लाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए सरकार को ऐसे लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समय के साथ साथ संसाधन भी उपलब्ध कराने चाहिए। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए इसी तरह जनभावना टाइम्स।